उड़ीसा में पहली बार आ रही हूँ और इसका पहली बार आने का मकसद रुचि थी था उनका जो उत्कर्ष प्रीमियम और उत्कल डस्ट है उसका लॉन्च था आज। सो जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं रुचि फैमिली से कहना चाहती हूँ थैंक यू कि मुझे यहाँ पे लाए हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा, मेरी ये वाली ट्रिप थोड़ी अधूरी रह गई है क्योंकि इस बार मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मुझे वापस आना है। आई होप कि मुझे बुलावा जल्दी आए भगवान का, जगन्नाथ जी का, और मैं जल्दी यहाँ पे वापस आ सकूँ और उनके दर्शन कर सकूँ। बट थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। टी के बारे में मैं यही कहूँगी, इनका जो टैगलाइन है दमदार, और सच्ची में दमदार है। जब मैंने अभी जो पिया, जो खुशबू थी उसकी और जो दम था उसमें, इट वॉज फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है 47 इयर्स से यू नो फूड के बिजनेस में है, और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि एक बहुत एक छोटा अच्छा सा फैमिली एंटरप्राइज है। और मुझे हमेशा लगता है कि जहाँ पे एक फैमिली कंपनी को जब चलाती है तो कहीं पे थोड़ा प्यार उसमें ज़्यादा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सो और यही मुझे दिखाया, जबकि इनकी प्राइस रेंज इतनी कॉम्पिटिटिव है और इस प्राइस रेंज में जो खुशबू और जो क्वालिटी है चाय की वो बहुत अच्छी है, तो बहुत मज़ा आया उसको पी के मुझे। सो आई विल ओनली से कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर बिकॉज आई है, बट आई वुड से कि एक कोई एक ऐसे 5 मिनट में तो ऐसे कोई मिरेकल तो है नहीं, लेकिन ये एक कठिन बीमारी है और इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो उससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो उसके बाद का जो हीलिंग प्रोसेस है उसके लिए आपका अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना, जिसमें आपका खाना पीना, अच्छी क्वालिटी का खाना पीना और अच्छे क्वालिटी के विचार, ऐसा मुझे लगता है कि वो हेल्प करते हैं। ये है, ज़रूर है चैलेंज, सबके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, कोई भी ज़िंदगी चैलेंजेस के बिना तो होती नहीं है। सो आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उन चैलेंजेस को किस तरह से देखते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं। जितना बड़ा उतना बड़ा चैलेंज, जो जितना छोटा उसका उतना छोटा चैलेंज, लेकिन जिसको आता है उनके लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा होता है उस वक्त के लिए। मुझे लगता है भगवान देख के ही देता है चैलेंज, उसको अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जो इट्स नॉट ईजी, लेकिन उसको अगर कोशिश करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप चैलेंज को फेस करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर।